मौसम का क्या हाल रहेगा? सुनने में आया कि कल और परसों जो है बारिश हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसे हमने अभी कल वेदर एडवाइजरी जारी की थी कि आज यानी 31 अक्टूबर के लेट नाइट या कल 1 नवंबर के अर्ली मॉर्निंग से रियासत जम्मू और कश्मीर के, खास करके कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है। और इनका पीक जो इंटेंसिटी रहेगा वो एक और दो नवंबर में रहेगा। तो इसके बाद तीन को थोड़ा क्लाउडी रहेगा, बीच में हल्की बारिश भी हो सकते हैं। इसमें जैसे जम्मू के भी चंद जगहों पे फेयरली वाइड स्प्रेड जगहों पे हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ, तो लद्दाख के खास करके कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है। इन पर्टिकुलर जो जंस्कर की हिली एरिया है, तो इसी तरह कारगिल के जो पहाड़ी इलाका है और जिसे नॉर्दर्न इन पर्टिकुलर जिसे नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा, टंगडार, जोजिला और पीर पंजाल के मुगल रोड वगैरह इलाका में दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इन पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन में आधा दिन एक दिन के लिए डिस्ट्रप्शन भी हो सकते हैं और चांसेस जो है ज्यादा है। एज फार एज हैवी रेनफॉल या हैवी स्नोफॉल इज कंसर्न, ऐसे कुछ हैवी नहीं ज्यादा बर्फ या बारिश का कोई चेतावनी नहीं है। हाँ, दरमियान दर्जे की बारिश रहेगा, बीच बीच में रहेगा, बीच बीच में धूप भी खिल जाएंगे, तो लेकिन ओवरऑल कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। अब ये जो बारिश और बर्फ का सिलसिला है जो हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बारिश और बर्फ है, ये इन पर्टिकुलर इसका इंटेंसिटी एक और दो को खास करके रहेगा। इसके बाद मौसम फिर तीन को भी हो सकते हैं, थोड़ा क्लाउडी रहेगा, बीच में कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकता है, ओवरऑल इतना सिग्निफिकेंट नहीं। इसके बाद मौसम ओवरऑल इसके बाद हफ्ता दिन फिर ठीक रहने का इम्कान है।